हमने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था। मैं AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं। भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। हमने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे G20 मेंबर्स ने खुले दिल से स्वीकार किया था। मैं AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं। इसलिए भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया? नहीं, ठीक किया है ना। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, पहले के जमाने में बैंक डूबने वाली है या बैंक डूबी है या डूब जाएगी, ये बात फैलते हुए इम्पैक्ट होते होते 5-7 दिन निकल जाते थे। आज अगर किसी व्यवस्था में पता चला कि इस पर साइबर फ्रॉड है, 1 मिनट में मामला पूरा, वो कंपनी गई। फिनटेक के लिए बहुत जरूरी है और साइबर सॉल्यूशन, उसका बाल मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी साइबर सॉल्यूशन निकालिए, उसका बेईमान लोग तोड़ निकालने में देर नहीं करते, तो उस सॉल्यूशन का बाल मृत्यु हो जाती है, फिर आपको नया सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है। साथियों, आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की प्राथमिकता है।